डबल हैट्रिक पर 5 छक्के पड़े भारी, आईपीएल इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा कमाल, जीवन भर नहीं भूलेंगे बल्लेबाज का नाम। दोस्तों आपको बता दें कि रविवार को गुजरात टाइटंस वर्सेस केकेआर के बीच में महामुकाबला खेला गया, जिसमें केकेआर ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जिसमें साई सुदर्शन ने 38 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली, विजय शंकर ने 24 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली, जिसके मदद से गुजरात टाइटंस ने 204 रनों का टारगेट बना लिया था। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम की तरफ से वेंकट अय्यर ने 40 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली और कप्तान नीतीश राणा ने 29 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली और रिंकू सिंह ने मचाया तूफान 21 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली, जिसकी मदद से केकेआर की टीम ने टारगेट को बड़ी आसानी से ही चेस कर ली। आपको बता दें कि इस मैच में रिंकू सिंह ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो चलिए रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने रविवार 9 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक ऐसी पारी खेल डाली जिसे वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। कोलकाता के फैंस के जहन में नहीं बल्कि आईपीएल के इतिहास में इस मैच को हमेशा याद रखा जाएगा। गुजरात की टीम के डबल हैट्रिक वाले मैच में रिंकू सिंह ने लगाए 5 छक्के, कोलकाता को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इससे पहले किसी भी बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में अपनी टीम को आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर जीत नहीं दिलाई थी। दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्रिकेट की वीडियो हम आपके लिए रोजाना लाते रहें।